व्यक्ति का जो गोल्ड मेडल है, और फिर हमारा राजस्थान की शान बांध साफे के साथ सर साइड सर तो
कोऑपरेटिव हैं। अभी जब मेरा फॉर्म भरना था उसमें भी कुछ गलती हो गई थी, तो आरसी सर ने मेरी हेल्प की थी। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी मैंने इनको कॉल किया था, तो मतलब हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। और जब मेंस का पेपर था तब श्री सर ने बहुत हेल्प की, एक पूरी सेक्शन ही जो थी वो साइकेट्रिक की थी, और वो लगभग मैंने जल्दी कर ली थी तो 15-20 मिनट बचे थे। और मैं उसको बार 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 रिपीटेड देख के जाऊँ कि सारे सही लग रहे हैं, सारे सही लग रहे हैं, और वो सर एक्चुअली में सारे सही थे। और बट इस जगह जब हम जुड़ते हैं JNC पे, बट उससे पहले हम जुड़ते हैं आपकी सर से, यूट्यूब से, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब पे अपनी सर की क्लास देख कर ही ये डिसीजन लेते हैं कि हमें ऑफलाइन जाना है। तो जो सर की 10:30 की क्लास है, जो सर यहाँ पे क्लास लेते हैं, मतलब सर यहाँ पे क्लास ले रहे होते हैं बट सर तो सब पता होता है कि पीछे क्या चल रहा है, कोई साइड पर क्या कर रहा है, हर एक एक्टिविटी सर ने, मतलब अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो मतलब आप सर की नज़र से बच तो नहीं सकते, फिर आप पीछे बैठो एक्सपीरियंस भी करो। तो बट जो एक कंसेप्चुअल स्टडी होती है वो मुझे जब मैंने बैच खरीदा जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला, और मुझे लगता था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में हमने क्या किया कुछ नहीं पता, क्योंकि इतनी कंसेप्चुअल स्टडी, और नर्सिंग में भी हो सकती है ये बड़ी बात थी कि मतलब इतना इंटरेस्ट से हम लोग पढ़ सकते हैं। एक इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत बड़ी बात होती है, और हमारे टीचर्स वो इंटरेस्ट हमें डेवलप करते हैं। और रही बात हनु सर की, तो रिसर्च और मैनेजमेंट जो सर हमें पढ़ाते हैं, तो थैंक यू सो मच सर, उसके भी काफ़ी कंसेप्ट अब क्लियर हो चुके हैं। तो आगे जब भी मौका मिलेगा तो हम भी इस नॉलेज को कहीं ना कहीं जरूर शेयर करना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। रही बात अगर फैमिली सपोर्ट की, तो जैसे कहते हैं कि भंवरा होता है वो कभी वो एयर नेविगेशन उसके अकॉर्डिंग उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके उसकी बॉडी भारी होती है पर उसके पंख हैं जो वो कमज़ोर होते हैं, बट वो उड़ता है क्योंकि उसको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि वो नहीं उड़ सकता। वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे बोला ही नहीं कि तू नहीं कर सकती, ना ही मेरे पेरेंट्स ने कभी बोला, ना ही मेरी फ्रेंड्स की टीम ने कभी बोला। सर क्लास में भी कई बार बोल देते थे कि हाँ तनु का हो जाएगा, तो वो एक जो विश्वास टीचर्स का पेरेंट्स का हमें रहता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एक सक्सेस हासिल करने में। तो थैंक यू सो मच टू माय फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय टीचर्स, थैंक यू सो मच। उसके बाद सर एक्चुअली जैसे हनुमान सर आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की कला है जो मैंने उसको पहले से बोल के रखा था, जिस दिन मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी मेरे टीचर्स का कैसे नाम है। साइड में से रिफ्रेंस आ गया।